नमस्कार दोस्तों स्टडी आई पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो so, पिछले महीने की बात है आई एम श्योर आपने सुना होगा व्हाट्सएप ने एक नई सर्विस लॉन्च की थी जिसका नाम है व्हाट्सएप पे जिसके चलते व्हाट्सएप भी अब कई सारे और यूपीआई प्लेटफॉर्म्स की तरह व्हाट्सएप के ऊपर भी आप यू पी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं जिस तरीके से गूगल पे और फोनपे जैसी ऐप्स काम करती हैं ऑलमोस्ट उसी तरीके से व्हाट्सएप को इसकी अनुमति मिल चुकी थी फ्रॉम एन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाउ इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए व्हाट्सएप ने एक नई घोषणा की है जिसके चलते व्हाट्सएप इज गोइंग टू रोल आउट इंश्योरेंस एंड द पेंशन प्रोडक्ट्स इन इंडिया आप देख सकते हैं आज दोपहर को ही व्हाट्सएप इंडिया के जो हेड हैं मिस्टर अभिजीत बोस उन्होंने यह अनाउंसमेंट की कि व्हाट्सएप टू रोल आउट इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म्स इन द इंडिया वेरी वेरी सून नाउ जानेंगे कि एग्जैक्टली exactly यहाँ पे कौन से कौन से बैंक्स के साथ पार्टनरशिप हो रही है किस किस तरह के प्रोडक्ट्स व्हाट्सएप यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात कर रही है एंड ऑल्सो इन्होंने व्हाट्सएप के और फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बातचीत की है कि आगे जाके ये किस तरह के प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध यदि आप इस लेक्चर की पी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अपनी क्वेरीज को आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं स्टडी आई क्यू ऐप को जरूर डाउनलोड करें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और इस ऐप पे क्रिसमस सेल चल रही है जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जा रहा है यदि आप आने वाले यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि 2021 में होने वाला है इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा जिसका नाम है पास्ट ईयर येम्स डिस्कशन कोर्स इट हैज़ ऑलरेडी हेल्प अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स ऑल नाउ आपको मालूम होगा नवंबर छः की ये न्यूज़ है इंडिया अलाउज़ व्हाट्सएप पे टू गो लाइव ऑन यू ये कहानी असल में काफ़ी पुरानी थी लगभग 2018 में व्हाट्सएप ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की थी कि हम भी भारत में जो यू वाली ट्रांजेक्शन वाला सेगमेंट है उसमें एंट्री लेना चाहते हैं लेकिन लगभग दो साल तक ये पूरा का पूरा एक रेगुलेटरी उसमें चल रहा था जिसके चलते व्हाट्सएप को यहाँ पे अनुमति नहीं मिल रही थी लेकिन फाइनली इस साल नवंबर में अनुमति दे दी गई एन के द्वारा जिसके चलते जो सभी ट्रांजैक्शंस आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे कर पाते हैं जैसे कि गूगल पे हुआ फ़ोनपे हुआ पेटीएम यू हुआ वो सभी के सभी ट्रांजेक्शन्स अब आप व्हाट्सएप पे पर भी कर सकते हैं और इसमें यहाँ पर इवन दो इसको लॉन्च तो कर लिया गया लेकिन अगर हम इसको एक महीने के बाद इसकी एनालिसिस करें तो व्हाट्सएप को रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं मिला था व्हाट्सएप के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए दुनिया भर में व्हाट्सएप का सबसे ज़्यादा बड़ा यूज़र बेस भारत में है ठीक है और इसके पीछे का रीज़न काफ़ी सिंपल है क्योंकि व्हाट्सएप चाइना में इस्तेमाल नहीं होता अदरवाइज शायद चाइना में होता इसका बड़ा यूज़र बेस लेकिन चाइना में उनका अपना एक और प्लेटफॉर्म है सो so, उसके बाद सबसे बड़ा यूज़र बेस अगर कोई कंट्री प्रोवाइड करती है तो वो इंडिया ही है और व्हाट्सएप का यहाँ पे 400 मिलियन यूजर्स हैं एक्टिव यूजर्स हैं जो कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं अब इस 400 मिलियन यूजर्स में से एक महीने के अंदर अंदर 20 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी व्हाट्सएप का यू पी प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करने लग चुके हैं लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ है कि केवल 3.1 लाख यू पी रिकॉर्ड हुई हैं नवंबर में अब यहाँ पर इसकी अगर आपको तुलना करनी है तो जो बाकी एक्टिव प्लेयर्स हैं ये डेटा थोड़ा पुराना है लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाकी एक्टिव प्लेयर्स हैं पेटीएम हुआ गूगल पे हुआ फ़ोनपे हुआ और भीम हुआ इस पे जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू व्हाट्सएप लेकिन ये केवल एक शुरुआत है सो व्हाट्सएप इज ऑफ टू अ स्लो स्टार्ट व्हाट्सएप का जो पे वाला प्लेटफॉर्म है इट हैज़ अंडर वन परसेंट मार्केट शेयर राइट नाउ लेकिन व्हाट्सएप को काफ़ी उम्मीद है कि आगे जाके इसकी पॉपुलरिटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है नाउ इसी पर्टिकुलर चीज़ में इनफैक्ट व्हाट्सएप ने इस चीज़ को भी अनाउंस किया कि हमारा जो यू पी प्लेटफॉर्म है उसमें ऑलरेडी चार जो बड़े बैंक्स हैं भारत के सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक एस उसके बाद बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि आई सी और एक्सिस बैंक के साथ व्हाट्सएप ने ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स uh, साइन कर लिए हैं जिसके चलते जो इनका यू पी प्लेटफॉर्म है वो इन सभी बैंक्स के साथ इंटरलिंक्ड भी है और इनफैक्ट इस चीज़ के ऊपर भी जो व्हाट्सएप हेड हैं इंडिया के उन्होंने कहा कि यू पी आई इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव सर्विस एंड वी जॉइंटली हैव द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ अवर डिजिटल इकानमी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स हु हैव नॉट हैड फुल एक्सेस टू दैम बिफोर सो ये चीज़ ऑलरेडी एक अच्छी चीज़ तो है कि बड़े बैंक्स के साथ इनका टाइप है लेकिन एक चीज़ थोड़ी ख़राब ये है कि इनका जो अभी फिलहाल मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा कम है बट व्हाट्सएप इज़ नॉट लुकिंग बैकवर्ड इट इज़ इन स्टेड लुकिंग फॉरवर्ड और इसी के चलते उन्होंने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की है कि हम इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट्स को अब लॉन्च करने जा रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि WhatsApp is soon set इज सोन सेट टू रोल आउट हेल्थ इंश्योरेंस एंड माइक्रो पेंशन प्रोडक्ट्स ऑन इट्स मैसेजिंग through इन इंडिया थ्रू licensed financial फाइनेंशियल players, प्लेयर्स एज फेसबुक ओन्ड टेक is इज सेट टू एक्सपैंड टू फाइनेंस services एजुकेशन सोशल वेलफेयर इन टू welfare in 2021. सो so बेसिकली ये जो कहानी है नॉट जस्ट लिमिटेड फाइनेंस यहाँ पर फाइनेंस में भी इट इज़ नॉट लिमिटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस एंड माइक्रो पेंशन इसमें भी और कई सारी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड की जाएंगी लेकिन बड़ी बात यह है कि व्हाट्सएप फाइनेंस के अलावा कॉमर्स यानी कि वाणिज्य एजुकेशन यानी कि शिक्षा एंड सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक विकास जैसी चीज़ों में भी आगे बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही जल्दी आने वाला है आने वाले साल में इसमें जो इनकी मेन पार्टनरशिप की यहाँ पर बात हुई है उसमें एक तो एस है और दूसरा है एच डी सो एक तो है एस बी आई जनरल एस जनरल के साथ मिल करके ये बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस कवर को लॉन्च करने वाले हैं और एच डी पेंशन के साथ मिल करके ये एन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको लॉन्च करने वाले हैं ये अगेन अभिजीत बोस जो कि व्हाट्सएप इंडिया के हेड हैं इनके द्वारा इस चीज़ को अनाउंस किया गया है यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि जो यू हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप में इंटीग्रेट कर लिया है उसके चलते इन प्रोडक्ट्स को अब बेचना और भी आसान हो जाएगा ठीक है सो so, हमने एक कदम ऑलरेडी ले लिया है अब हमें केवल एक कदम और लेना है सो so दैट हम इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर सकें सो यहाँ पे बो सेट दैट व्हाट्सएप पे सर्विस ऑन यू विल ओनली एनेबल दिस माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट्स विच द कंपनी हैज बीन पाइलटिंग ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स सो ये जो आपका एग्जिस्टिंग यू का सर्विस है वो एक एनेबलिंग सर्विस की तरह काम करेगा बाकी प्रोडक्ट्स के लिए और इसमें इनफैक्ट अगर आप देखें जो इन्होंने आई थिंक व्हाट्सएप का ये स्टेप काफ़ी पॉजिटिव है बिकॉज जिस तरीके से इन्होंने अभी लॉन्च करने की सोची है इन्होंने सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात की है और पेंशन के बारे में बात की है कोरोना वायरस जैसी पैंडमिक होने के बाद जो इंडिया में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस का जो सर्ज है वो काफ़ी तेज़ी से आया है लोगों का इसमें इंटरेस्ट लोगों की इसमें रुचि काफ़ी तेज़ी से आई है पहले क्या होता था कि इसके जो एजेंट्स होते थे वो लोगों के पीछे भागते थे कि सर लाइफ इंश्योरेंस करवा लो सर हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो अभी उल्टा हो रहा है लोग खुद इनको फोन करके बोलते हैं कि हम लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस करवाने में इंटरेस्टेड हैं बिकॉज आई थिंक आफ्टर कोविड नाइन्टीन ये थोड़ा सा सिनारियो थोड़ी सी इक्वेशन बदल चुकी है सो so इनफैक्ट यहां पर जो अभिजीत बोस है ये भी बोलते हैं कि वी होप दैट दीज प्रोडक्ट्स विल मेक इट मच इजियर फॉर माइक्रो पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस टू बी स्केल्ड होपफुली टू एवरी इंडियन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन एंड इनकम कि इनका

ऑफ व्हाट्सएप कैन हेल्प इम्प्रूव दी पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इन इंडिया जो कि फ़िलहाल केवल चार परसेंट ऑफ जी के आसपास है यानी कि जो अभी हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं उनकी पेनिट्रेशन काफ़ी कम है अगर आप वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो ये उस साढ़े छः परसेंट के आसपास सवा छः परसेंट के आसपास है लेकिन भारत में मात्र चार परसेंट के आसपास है जिसके चलते अभी काफ़ी पोटेंशियल है काफ़ी स्कोप है इसकी पेनिट्रेशन को बढ़ने के लिए नाउ ये तो था अभी तक की बात लेकिन ऐसा टोल्ड यू कि व्हाट्सऐप और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे अभी फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा है सो so, व्हाट्सएप के अगेन जो इंडिया हेड हैं इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि आने वाले साल में व्हाट्सएप के चार मुख्य पिलर्स होने वाले हैं जिसमें उनके जो पहले पहला पिलर है वो क्या है कि वी आर गोइंग टू ग्रो द व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म टू मोर यूजर्स आई एम श्योर आपने देखा होगा आजकल जब आप चैट भी करते हैं तो आपके चैट अकाउंट में कई लोग आपको ऐसे कई लोग कई अकाउंट्स ऐसे होते हैं जहां पर बताया जाता है कि यू आर नाउ चैटिंग विद अ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट सो so, कुछ लोग अपने अकाउंट्स को व्हाट्सएप बिज़नेस में तब्दील कर रहे हैं बिकॉज वो अपने अकाउंट्स के माध्यम से कुछ चीज़ों का सेल uh, भी कर रहे हैं कुछ चीज़ों का परचेज भी कर रहे हैं सो दे आर बेसिकली यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ सोशल मीडिया टू एक्सपैंड देयर बिजनेस और व्हाट्सएप ये कह रहा है कि हम उस प्लेटफॉर्म को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे उसके बाद व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि हम लोकल बिजनेसिस के साथ कोलाबरेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ कोलाबरेट करना चाहते हैं टू ऑफर नीश सोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड एंड एजुकेशन सो so, एग्रीकल्चर हुआ एजुकेशन हुआ इन सब एरियाज में जहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे कि स्पेशली आफ्टर कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन के बाद जो uh, ऑनलाइन चीज़ों का जो ट्रेंड है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इवन एग्रीटेक एडटेक का जो एरिया है इसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ चुका है तो व्हाट्सएप कह रहा है कि हम वहाँ पर भी एंट्री बहुत ही जल्द लेंगे इनफैक्ट व्हाट्सएप अपनी डिजिटल पेमेंट्स को एक्सपैंड करना चाहता है और सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को भी और स्केलिंग करवाना चाहता है यूजिंग टेक्नोलॉजी यूजिंग बेसिकली जस्ट दी मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज क्या है 400 मिलियन एक्टिव यूज़र्स जो कि हर साल बढ़ते जा रहे हैं सो so, उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए वी जस्ट होप कि व्हाट्सएप वाकई में इन चीज़ों में और अच्छे से एंट्री ले सके और आगे जाके इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कर सके इनफैक्ट आगे जाके WhatsApp ने यह भी कहा है कि फ़िलहाल तो इंश्योरेंस और पेंशन में हम एंट्री ले रहे हैं लेकिन जो आगे जाके एम हैं जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं हम उनको क्रेडिट देने का सुविधा भी कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करवाना चाहते हैं थ्रू व्हाट्सएप यानी कि आपका जीरो पेपर वर्क होगा आपको डायरेक्टली लोन मिल जाएगा बैंक्स के साथ व्हाट्सएप इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट uh, साइन करेगा एक तरफ और दूसरी तरफ एम एस को पैसा भिजवाया जाएगा सो so, काफ़ी कुछ है देर इज अ लॉट विच इज़ हैपनिंग और काफ़ी काफ़ी स्कोप है काफ़ी चीज़ें होने का आगे आने वाले टाइम में राइट सो so, इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ